और अब तक ये मेरा, ये मेरा, वो मेरा, ये मेरा, पैसा, बंगला, वाड़ी, गाड़ी, अंतिम समय याद आया कि ये कुछ भी मेरा नहीं है। मगर काल की मजा भी यही साहब, कि काल आता है ना तो चार चीजें पकड़ लेता है, चार चीजें उनसे निकाल लेता है। रामायण के लिए काल कैसे मारता है, लकड़ा लेके आता है, तलवार लेके आता है, कैसे मारता, कैसे? आचार्य तुलसी ने कहा, काल दंड के ही काहु न मारा, हर हु धर्म बल बुद्धि विचारा। मौत आती है तो चार चीजें पहला निकाल लेती, फिर बाद में उसको मार सकती। हर हु धर्म, धर्म ले लेते, इहलौकिक और परलौकिक दोनों धर्म का हरण हो जाता है। हर हु धर्म, बल, कितना भी बलवान क्यों ना हो बल चला जाता है, कितना भी बुद्धिशाली क्यों ना हो मरने से पहले बुद्धि, और कितना भी विचक्षण विचारवान पुरुष का व्यक्ति क्यों ना हो मरने से पहले विचार शून्य बन जाते हैं। न तो सोच सकता है, न तो ताकत लगा सकता है, न तो धर्म कार्य कर सकता है, न तो संकल्प कर सकता है। तो यहां हाथी ने स्वीकार किया गजेंद्र ने कि अब कुछ मेरा नहीं, बचाएंगे तो प्रभु, और प्रभु को आवाज दी, आठ हृदय से समर्पण कर दिया, गजल जैसा अंतिम शब्द। और कौन सी प्रक्रिया प्रभु ने की होगी, वो सुंड जब बार सुंड अंदर जाए उनसे पहले प्रभु हरि ने आकर सुदर्शन चक्र को छोड़ दिया और मगरमच्छ को काट दिया। घटना मुझे ये लगती है, हाथी बच गया उसका मुझे कोई नया नवाई नहीं लगती, भगवान की कृपा होती बच जाता है। मगर यह मुक्ति किसकी हुई, भगवान के हाथ से जो मरता है उनको मुक्ति मिलती है। तो मगरमच्छ की मुक्ति हो गई क्योंकि मगरमच्छ ने भगत के पैर पकड़े। तो भगवान मिलेगी अवस्थावान को मिल जाए सबको वंदन, मगर भगवान ढूंढते मत फिर, कोई भगवान का भगत मिल जाए तो उनके पैर पकड़ के रखो। यह हनुमान जी ने सोचा कि ये तो उपसाने वाली बात है, यह अभिमान वाली बात है, भगवान के चरणों में प्रभु आप मेरा मकान मत कीजिए। बारम्बार प्रभु राम हनुमान जी को उठाना चाहते मगर प्रेम मगन थे, उठ न पाओ, इतने प्रेमाल हो गए, प्रेम मग्न हो गए, प्रभु हनुमान जी उठ नहीं पाते। प्रभु कर पंकज कपि के शीशा, पैरों में पड़ा हुआ कपि और कपि के ऊपर प्रभु राम ने हाथ फिराया, शंकर को समाधि लगने लगी। सुबीर सो दशा मगन गौरी सा, हे गौरी मुझे समाधि लग रही है। ये तो एकादशवें रुद्र है, प्रभु शंकर को ऐसा लगा कि प्रभु राम मेरे मत्थे पे हाथ फेर रहे। मगर शंकर को लगा कि समाधि का वक्त नहीं है, समाधि लग जाएगी तो कथा रुक जाएगी, कई बार भाव होता है। तो सावधान मन करी पूरी शंकर, भगवान शंकर ने अपने मन को सावधान किया, नहीं सोना नहीं, समाधि नहीं लगानी। लागे कहन कथा अति सुन, भगवती उमा को कथा सुनाते और भगवान शंकर ने बहुत बढ़िया चौपाई की, मुझे चौपाई बहुत अच्छी लगती। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपने। ए उमा, ये जो दिखता है ना वो सब सप्तमत है, वो सब छोड़ के जाना पड़ेगा, और साथ में क्या लेके जाना है, सत हरि भजन जगत सब सब। तू जो पूजा पाठ भजन करेगा, सुमिरन करेगा, दान धर्म करेगा, वो साथ में लेके जाएगा, बाकी कुछ नहीं लेके जाएगा। कभी उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गई परम निकट बैठा, हाथ पकड़कर बगल में बिठाया, नजदीक बिठाया। कभी
आहिस्ता पूछा, कहो कभी रावण पालित लंका, पहले तो मर्म जाना कि लंका कैसे सुरक्षित कैसे, कही विधि दैव दुर्गति पंका, मैंने सुना है कि अति दुर्गम पंक है, तो तूने उसको जलाया कैसे। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन विगत हनुमाना, इतना बड़ा पराक्रम, सोने की लंका जला दी, और प्रभु राम स्वयं पूछते कि बता बेटा कैसे जलाया। तो हनुमान जी महाराज ने सोचा कि प्रभु प्रसन्न है तो हमको यदि कोई पूछे, जैसे एक वो क्रूस में बाबा बाबा में समझते बाबा 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 किसको कहते हैं, डोसा बाबा काठियावाड़ी बाबा बाबा, और डोसा बुड्ढे वयोवृद्ध व्यक्ति क्रूस में गया, 85 गांव गए, फिर भी घुंगला खा रहा था, चॉकलेट खा रहा था, ममरा खा रहा था, खाना चाहिए भगवान ने दाद दिए तो खाना चाहिए, मगर मंदिर नहीं जाता था, क्रूस में जाता था, बृहस्पति बार अनुष्ठान नहीं करा था, जाना चाहिए अच्छी बात है, मगर एक दुर्घटना हो गई, छोटा बच्चा जहाज में से गिर गया, तो बाबा जी ने तुरंत पीछे जाकर बच्चे को बचा लिया, तो पूरा क्रूज हेड सॉफ्ट 85 ईयर्स ओल्ड एंग्री यंग मैन, आपने तो कमाल कर दी, तो सबने तभी यहां पे सम्मान करना, फिर बाद में बोट पोट में जाके अलग से रहेंगे हॉल भाड़े करके, मगर अभी के अभी उसका वहां तो हॉल वगैरह सब होता है, और क्रूज वाले भी सब तैयार हो गए क्योंकि जान हानि बचा ली, क्रेडिट का सवाल था, आगे कोई गुलदस्ता दिए, कोई फूल दिए, कोई प्रणाम किए, कोई वंदन किए, सबने बाबा के बारे में, वो बुजुर्ग के बारे में बहुत सा संभाषण किया, फिर बाद में कहा कि बाबा जी आप अपना अनुभव बताएं, किसने लगाया कि आपने ये सब कैसे कर दिया, तो बाबा कुछ बोले उनसे पहले, पहले सब में से ये बताओ मुझे पीछे से धक्का किसने मारा। मुझे बचाने की कोई इच्छा नहीं थी, ये तो बच्चा गया था उसके पीछे गया तो अच्छा था आप लोगों ने बचा लिया, वरना अकेला होता तो आप लोग ऊपर से पत्थर मारते कि दया बुझा जाने दो। यहां हनुमान जी ने सोचा कि अभिमान नहीं करना है, हनुमान जी महाराज कहते हैं कि बाप जी कैसी बात कर रहे हैं, मैंने लंका चलाई, बाप जी मैं तो बंदर हूं, शाखा मुकते बड़ी मनुषाई, शाखा थे शाखा पर जाई, बंदर क्या कर सकता है इस डाली से दूसरी डाली पर, इस टेली से दूसरी टेली पर, खुद के किसी बात कुछ नहीं कर सकता, नाथ सिंधु हाटक मुरझाना, और बाबजी मैंने तो सिंधु को पार किया है, हाटकपुर लंका को जान दिया है, निश्चर गणपति विपिन उजाड़ा, मैंने राक्षस को मार डाला, क्या बंदर मार सकता है, हे बाप जी बंदर की कोई ताकत नहीं, मगर सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथन कछु मोरी प्रभुता, बाप जी जो भी कुछ किया वो मेरा कुछ नहीं था, वो तो प्रभु तेरा प्रताप था, तेरी कृपा थी, तेरा आशीर्वाद था, तो मैंने ये कर ली, वरना हमारे गांव में अंगूठा छाप आदमी मुझे कुछ नहीं आता, मगर फिर भी घूमता हूं फिरता हूं मौज करता हूं, क्या साफ व्यक्ति में कुछ नहीं कृपा का फल होता। प्रभु कहते आचार्य तुमसे देखते हैं अद्भुत कृपा, ये चौपा ये दोहा मुझे बहुत पसंद है, एक बार हमने सुना था कि जिम्मी आही गणमही गरुड़ असंका, भगवान की कृपा होती है तो वो सर्पों के बीच में गरुड़ की तरह राजा बनकर रहता है, यहां भगवान की कृपा होती है तो क्या होता है, दूसरा होता है
ताकहु प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तब प्रताप बढ़वा न लई, जारी सकई कल तो। आउट ऑफ वे की बात है। वड़वानल का अर्थ मालूम है? वड़वानल अर्थात लावा, 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 लावा किसको मेल्ट कर सकता है? सभी कुछ, सब कुछ उसके मार्ग में जो भी आता है उसको मेल्ट करता है। मगर तुलसी लिखता है कि तब प्रताप वड़वा नलई जारी सकई खड़ तुल, तुल अर्थात तड़कला, तिली अथवा तो रू का पुष्प। प्रभु तारी कृपा होती है तो ये लावा की ताकत नहीं कि तड़कले को जला सके। तू जिसके ऊपर अनुकूल है, ताकहु प्रभु कुछ अगम नहीं, उसको 100 बार की बिल्डिंग से कूदने की छूट है। जो प्रभु राम अनुकूल है तो तड़क ले को लावा नहीं चला सकता है। हमने गालियां बाकी बाकी ताकहु प्रभु का चु अगम नहीं, जा जा पर तुम अनुकूल, तब प्रभाव बढ़वा न लई, जारी सकई कुलतुल। नाथ भगति अति सुखदायिनी, देहु कृपा करि अनपायिनी, सुनि प्रभु परम सरल एव मस्त तब कहउ भवानी, उमा राम सुभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजि पावन आन। यह संवाद जास उर आव, रघुपति चरण भगति सोई पावा, सुनि प्रभु वचन कहइ कृपि गंगा। जय 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 कृपाल सुख गंगा, तब रघुपति कपि पति बुलावा, कहा चले कर करहु बनावा, अब विलंब के कारण कीजे, तुरत कपिन कहु आयस दीजे। कौतुक देखि सु मन बहु बरषि, नभते भवन चले सुर हर्षि, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अधीर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु कहते हैं कि प्रभु तेरी कृपा जिसके ऊपर होती है उसके लिए कुछ असंभव नहीं है। बड़ा लावा भी तड़क ले को तृण को जला नहीं सकता। और नाथ इस जगत में सुखदायी क्या है? करोड़ डॉलर पास पे हो तो सुख मिलता है? सुख किसे मिलता है? सुख का साधन मंदिर है। नाथ भगति अति सुखदायी, और भक्ति करने का साधन मंदिर है। घर में भक्ति नहीं होती, घर में भवाई होती है। तूने ये किया, मैंने ये किया। यदि घर में भक्ति कर सकते हो तो आपको मंदिर जाने की जरूरत नहीं, आपका घर एक मंदिर है। मगर साहब घर पे हम रो सकते हैं, गा नहीं सकते, तो इसलिए मंदिर का निर्माण होता है। देहु कथा करि अनपायिनी, प्रभु वरम सुनि प्रभु परम सरल कपि बानी, एव मस्तु तप कहउ भवानी। कपि की विनय विवेक के साथ सरलता देखी प्रभु राम जी ने आशीर्वाद दिया। और यह प्रभु शंकर कहते हैं, हे उमा, उमा राम स्वभाव जे जाना, ताही भजन तजी भावन आना। जो व्यक्ति प्रभु राम जी का स्वभाव समझ लेता है वो कभी भी समाज के या तो दुनिया के रीति रिवाज में नहीं पड़ते, वो प्रभु को पकड़ के रखते हैं। ये संवाद प्रभु शंकर और पार्वती के बीच में हो रहा है। यह संवाद जास उर लावा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। यह हनुमान जी का, यह बानर हनुमान जी का चरित्र जो कोई व्यक्ति सुनेगा, श्रवण करेगा, मनन करेगा, उसको भगवान रघुपति राम की भक्ति मिलेगी। सुनि प्रभु वचन कहे कृपा, जय 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 कृपा।
सुख कंदा। राम जी का जयकारा किया, तब रघुपति कपिपति ही बुलावा, कला कहाँ चले कर कर हो बुलाया। सुग्रीव को बुलाया कि सबको एकत्रित किए, तब प्रभु हनुमान जी ने कहा कि अब कौन सा काम है, चलो अब विलंब के ही कारण कीजिए, तुरंत कपि ने कहूं आगे सुन लीजिए। प्रभु कपियों को आदेश दीजिए हमें लंका की ओर जाना, कौतुक देखी सुमन बहुवर्षी, नभते भवन चले सुर वर्षी, आकाश में देवता है और देवताओं ने पुष्पों की वर्षा। सभी कपि को बुलाएगा, कपिपति बेगी बुलाए आये झूठ पजूठ, नाना बरन अतुल बल बानर बालु बरू, प्रभु पद पंकज नावहि सीता जय जयता, महाबल सीता देखि राम कल कपि सेना, चितहि कृपा करिला जीव नैना, राम कृपा बल।